हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों ने कमर कस ली होगी पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट कंप्लीट कोर्स के बारे में, ठीक है। तो जो साथी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम यहाँ पर काय पढ़ चुके हैं। एक झलक पहले इसके सिलेबस के देख लेते हैं। ये इसका सिलेबस है, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इस तरह से इसका ये सिलेबस है। और जिसमें कुछ में पांच पांच क्वेश्चन पांच पांच नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, इस तरह से है। और कुछ टॉपिक हैं जैसे करंट अफेयर हुआ, ग्राफ हैं, तालिका, ये सभी हैं 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के, इस तरह से हैं। तो चलते हैं आगे। हम भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कम्प्लीट कर चुके थे, वैदिक संस्कृति हमने देख ली थी। आज हम तीसरे वीडियो में देखने वाले हैं गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा वाली, यानी कि इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन जितने भी फैक्ट बन रहे हैं मैं सभी आप पे कलेक्ट करके लेकर के आई हूँ आपके लिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने यूपी ट्रिपल एससी सिर्फ पेट के लिए बनाया है, पेट के लिए बनाया है इसके नाम से, लेकिन सिलेक्टेड है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो। तो अभी आप जब वीडियो देखेंगे पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस किस एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे कहाँ तक आ सकता है। कुछ ईजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं, मतलब सभी तरह के मैंने इजी टू मॉडरेट सब तरह का रखा हुआ है इसमें क्वेश्चन को। कुछ नए भी आपको शब्द देखने को मिलेंगे इसमें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। बुद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध हैं, आप सभी जानते हैं। इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी गाँव में हुआ था। जो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 563 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन NCERT जो है NCERT बुक के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 566 ईसा पूर्व है, 566 BC। शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। इनकी माता का नाम देखा जाए तो इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है, यानी कि जैसे इनका जन्म होता है उसके 7वें दिन इनकी माँ का देहांत हो जाता है, स्वर्ग से डाल जाती हैं। लेकिन इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी द्वारा किया जाता है, इनकी मौसी इनका पालन पोषण करती हैं प्रजापति गौतमी, इसलिए इन्हें गौतम नाम से लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सभी जानते होंगे सिद्धार्थ है, द सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो गई हो, यानी जिसकी आकांक्षा पूरी हो गई हो। असित नामक एक ब्राह्मण थे, इन्होंने इनका नामकरण किया था। क्या नाम रखा था? सिद्धार्थ। इनका सिद्धार्थ असित नामक ब्राह्मण ने रखा था। कालदेव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने, ये दो कोई साधु थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये कहा था इनके पिता से शुद्धोधन से कि आपका बालक या तो कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी। तो उनके पिता बड़े भयभीत थे, डर चुके थे, डर गए थे कि पता नहीं क्या बनने वाला है, क्या करेगा मेरा बेटा। राजा तो राजा के वंश से थे ही, राजा खानदान से थे, लेकिन डर ये बात का था, राजा बनते अच्छी बात है, राजा नहीं बनते तो सन्यासी बनेंगे तो क्या होगा फिर, इस चीज़ का, इसी से वो डरे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि इन सब में पढ़ के वो अपने जीवन को व्यर्थ करें, उनके हिसाब से तो व्यर्थ ही होगा ना, सन्यासी बन जाते हैं। तो इस डर की वजह से करते क्या है, वो 16 वर्ष की आयु में इनका ब्याह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। किससे कर देते हैं? यशोधरा से कर देते हैं। इनके अन्य नाम क्या है यशोधरा के? इनका अन्य नाम है गोपा, बिम्बा, भद्रकक्षा, ये सभी इनके नाम है। और जब इनकी शादी हो जाती है तो इसके बाद इनके राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न होता है। जी गौतम बुद्ध के जीवन में एक घटना घटती है, चार दृश्य जब ये देखते हैं तभी से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर ये इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ स्टार्ट होता है यहाँ से, जब ये अपने जीवन में चार दृश्य देखते हैं। वो घटना होती कैसे, अपने महल में होते हैं, इनके मन में कोई विचार आता है कि हम चलो महल से बाहर थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये इस उम्र तक तो बाहर निकले ही नहीं थे महल से, तो सारी सुविधाएं इनके पिताजी ने सब कुछ महल में ही मुहैया करा रखी थी। तो बहुत मना करने पर भी अपनी इनके पत्नी ने भी रोका, इनकी मौसी थी उन सब ने रोका, लेकिन वो नहीं माने और अपने सारथी चन्ना के साथ ही अपने महल से बाहर जाते हैं अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, अपनी प्रजा वगैरह को देखने के लिए। तो जब जाते हैं तो उन्हें चार दृश्य दिखाई देते हैं। वो कौन सा होते हैं चार दृश्य? एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तीसरा दृश्य में ये मृत व्यक्ति को देखते हैं, और चौथे में एक सन्यासी मुद्रा में प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखते हैं, ठीक है। तो जब इनके साथ में सारथी होता है चन्ना, तो उनसे प्रश्न करते जाते हैं। जब वृद्ध को देखते हैं तो प्रश्न करते हैं, बीमार को देखते हैं तब करते हैं। तो जब मैं जब डीप में आपको पढ़ाऊँगी
या फिर आपको चैनल पर जाना पड़ेगा ये सब देखने के लिए। मैं तो क्विक रिवीजन करा रही हूँ कि कम टाइम में आपका जल्दी से जल्दी जितना जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि अगर मैं आपको हिस्ट्री यहीं पे डीप तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी तो मुझे ही लगता है 2-3 महीने में भी कम्प्लीट हो पाएगा। तो आपको डीप तरीके से अच्छे से पढ़ना है बहुत अच्छे से जाके, तो आपको चैनल पर विजिट करना होगा। वहाँ पर अनुराग सर के द्वारा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। 60 घंटे 90 घंटे से लास्ट क्लास ली उन्होंने। मैं यहाँ पर सिर्फ इसका रिवीज़न कराने आई हूँ। तो जब देखते हैं तो उनसे तो उन्हें सबसे अच्छा ये लगता है कि जो प्रश्न मुद्रा में सन्यासी बैठा है, जो दुनिया के मोह माया सबसे दूर हो चुका है, उसे किसी बात का दुख नहीं, किसी बात का मोह नहीं है। तो घर पे वापस आते हैं और उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे अब सन्यासी बनना है। तो गौतम बुद्ध जो हैं 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह छोड़ देते हैं, ग्रह त्याग कर देते हैं। तो जब ग्रह त्याग की घटना होती है, उस घटना को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। इस घटना को ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, किसी कोई एग्ज़ाम होता है या किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पेट में, किसी भी एग्ज़ाम में आपका यूपी जो यूपी संबंधित है, ठीक है। जो मैंने बता दिया आपको भी, आपको एक सारथी जो है चन्ना थे इनके, और घोड़ा जो है वो कंथक था, कंथक नाम था उस घोड़े का। माता बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक एक आम का बगीचा था, वहाँ पर एक सप्ताह तक रुकते हैं जब ये घर से निकल जाते हैं, ग्रह त्याग देते हैं। उसके बाद में फिर ये मगध की राजधानी राजगृह जाते हैं, राजगृह पहुंचते हैं। वहाँ पे वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम नामक एक सन्यासी से होती है, जिनसे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अलार कलाम इनके पहले गुरु होते हैं, ये इनके पहले गुरु बनते हैं। इसके बाद में राजगृह के समीप बुद्ध की मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक एक धर्माचार्य से होती है। तो इनके दूसरे गुरु कौन बनते हैं, वो यही बनते हैं रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु उनके होते हैं अलार कलाम और दूसरे होते हैं रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद वे उरुवेला पहुँचते हैं, जहाँ पर निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। इनके साथ में इनके 5 साथी होते हैं ब्राह्मण सन्यासी, उन ब्राह्मण वो भी साथ में तपस्या कर रहे होते हैं। तो उनके एक बार ब्राह्मण के सभी के नाम देख लेते हैं, इनके मित्र कौन कौन थे, कौंडिन्य औज, अस्य जी, वप और वध्य, ये 5 इनके मित्र ब्राह्मण सन्यासी थे, उनके साथ बैठ के तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक कथा में ऐसा माना जाता है, कथा में सुनने में आता है कि उरुवेला के एक सेनानी थे, उनकी पुत्री थी सुजाता, वो भोजन लेकर के जाती हैं, उस भोजन को वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इस बात से इनके 5 ब्राह्मण जो थे इनका साथ छोड़ देते हैं वहाँ पे, और ये ऋषिपत्नम चले जाते हैं। कौन ऋषिपत्नम आ जाता है, महात्मा बुद्ध, उनके साथ ही वही बैठे तपस्या कर रहे होते हैं। तो बुद्ध उरुवेला से गया पहुँचे, जब इसका नाम गया ही था, गया पहुँचे उरुवेला छोड़ करके, तो वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और वहाँ तपस्या करने लग गए। तपस्या करने लगे, उसके बाद क्या होता है कि 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और किस दिन होती है, वो होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जभी से वो बुद्ध कहलाए होते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति को बोध कहा जाता है, बोधि। महात्मा बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक बार देखते हैं। महात्मा बुद्ध के अन्य नाम थे तथागत और शाक्य मुनि। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। और जो शाक्य मुनि का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो इन्हें इन अन्य दो नामों से जाना जाता है। ऐसे तो उन्हें लाइट ऑफ फेसिया भी कहते हैं। एक मैंने जब 10th 12th में थी शायद, तो एक टॉपिक था उनमें इसका नाम था लाइट ऑफ फेसिया से बोलते थे। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया में ही महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को अपना सेवक बनाया। मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले हमने इसका नाम सिर्फ गया पढ़ा था, गया, लेकिन जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता तब से इसका नाम पड़ जाता है बोधगया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम बोधगया से ऋषिपत्नम या मृगवन दा पहुँचे, जहाँ पहले से ही 5 ब्राह्मण जो उनके मित्र थे वहाँ मौजूद तपस्या कर रहे थे। तो यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को क्या कहते हैं, जो वो अपना उपदेश देते हैं उस घटना को कहती हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ग्रह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, और धर्म चक्र को बोलते हैं सर्वप्रथम जो उपदेश देते हैं उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे पहले मगध का जो किसी राजा की बात की जाए, तो जो राजा है सबसे पहले धर्म बौद्ध अनुयायी बना था, वो था राजा बिम्बिसार।
और जब अनुयायी बने उसके बाद उन्होंने वेणु वन बिहार जो है दान में दिया था। इसके बाद एक व्यापारी भी थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, वो श्रावस्ती के रहने वाले थे और उन्होंने भी एक जेतवन नामक बिहार दान में दिया था बौद्ध धर्म में। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय आदि महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। ये सभी इनके शिष्य बने थे। कहाँ पे? राजगृह में। बुद्ध ने अपने परम शिष्य, अभी सभी जानते हैं इनका बहुत परम और बहुत चहेता था कौन, आनंद थे इनके परम शिष्य थे, इन्होंने कराई दी। कहा कि पहले अभी तक महिलाओं की इसमें महिला शामिल नहीं थी संघ में, बौद्ध में इनके, लेकिन फिर जब इन्होंने थोड़ा सा आग्रह किया, कहा कि हाँ महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए, इससे संघ में फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो भी है अपने अपने सबने विचार दिए वहाँ पे, तो वैशाली में महिलाओं को संघ में शामिल की राय जो है इनके आनंद शिष्य ने दी थी, तो वो अनुमति दे देती हैं। तो सबसे पहली जो महिला होती है प्रजापति गौतमी, तो संघ में शामिल होने वाली पहली महिला होती हैं। गौतमी के बाद इनकी पुत्री भी शामिल हो जाती हैं, बुद्ध की पत्नी यशोधरा जो होती हैं वो भी इसमें इसी संघ में शामिल हो जाती हैं, भिक्षु बन जाती हैं। भिक्षुड़ी वैशाली की एक प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध नगर वधु थी आम्रपाली, वो भी शिष्य बनती हैं। और एक किसी रानी की बात की जाए, पहली रानी कौन थी जो इसमें भिक्षुणी बनी थी, तो वो बिम्बिसार की पत्नी थी जो इनकी शिष्य बनी थी, उनका नाम था क्षेमा, या खेमा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है। कौशाम्बी का शासक कौन था? उदयन। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु कौन थे? पिंडोला। कौशाम्बी के शासक उदयन थे और बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ पे थे? कौशल राज्य से ही थे और यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार सबसे अधिक किया था। कहाँ पर? कौशल यानी कि श्रावस्ती में। जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग ने हो जाता है और यहीं पर ही अतिसार रोग हो जाता है। फिर ये पावा से कुशीनगर चले जाते हैं और यहीं पर सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपना ये प्रथम पूछा जाता है कहाँ देते हैं और अंतिम उपदेश भी पूछा जाता है किसको कहाँ देते हैं, तो कुशीनगर चले जाते हैं और कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश ये सुभद्र को देते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि 483 मानते हैं अगर पहले वाली डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं उनकी जो मरने की तिथि होती है वो 486 ईसा पूर्व होती है। तो इनकी तीन जो अवस्था क्या बोलते हैं घटनाएँ हैं, पहले होती है इनकी ज्ञान प्राप्ति की, धर्म ग्रह त्याग की है, प्रथम उपदेश की है और ये मृत्यु की है। तो तीनों घटनाओं के जो नाम दिए जाते हैं उनको याद रखना, जैसे कि मृत्यु वाली इनकी महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश देते हैं उसे बोलते हैं माँ विनिष्क्रमण, नहीं धर्म चक्र प्रवर्तन, और माँ विनिष्क्रमण बोलते हैं ग्रह त्याग की इनकी घटना को। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे देखते हैं एक बार। सारिपुत्र, आनंद, मोदगलायन, उपाली, सुनीत, अनिरुद्ध, अनाथ, पिंडक, बिम्बिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, जीवक और महाकश्यप। ये तो राजा थे बिम्बिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु और जीवक जो है एक चिकित्सक थे। बौद्ध धर्मानुयायी की बात करें तो इसमें स्त्रियों की बात करें, स्त्रियाँ कौन कौन थी? सबसे पहले तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इसके बाद इनकी खुद की पत्नी थी, इनकी मौसी की बेटी यानी कि इनकी मौसेरी बहन नंदा, रानी थी क्षेमा या फिर खेमा जो कि बिम्बिसार की पत्नी थी, आम्रपाली और विशाखा, ये इनके धर्म में शामिल होने वाली स्त्रियां थीं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है जो बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं, वो कौन कौन से? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो दुख के कारणों को प्रत्येत समुत्पाद कहा गया है। क्या कहा गया है? दुख के कारणों को प्रत्येत समुत्पाद कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। क्या है मूल तत्व? प्रतीत
समुत्पाद। अन्य सिद्धांत इसी में समाहित है। बौद्ध दर्शन का क्षणभंगवाद भी प्रत्युत समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी कि जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है वो क्या है, वो अष्टांगिक मार्ग ही है। अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तो ये सब चीज़ें कभी नहीं होंगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग देखते हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक यानी कि आपकी भाषा, आपके बोलने वाली जो ये सब कहेंगे हाँ, और कर्मांत भाषा वाक यानी आपकी वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सभी क्या हैं, इसके अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध मूलतः अनीश्वरवादी और अनात्मवादी हैं, ये चीज़ दोनों में अनीश्वरवादी भी और अनात्मा, आत्मा को भी नहीं मानते थे और ईश्वर को भी नहीं मानते इन दोनों में, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म की इनमें मान्यता बनी हुई है। और देखते हैं आगे, बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता हेतु 10 सील पर बल दिया गया है। अब यहाँ पर 10 सील देख लेते हैं कौन कौन से, ये आचरण की बात करते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता के लिए। 10 सील कौन कौन सी है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, ये उसमें भी है जैन धर्म में भी है। अपरिग्रह, ये भी जैन धर्म में है, अपरिग्रह होता है धन संचय ना करना, ब्रह्मचर्य, संगीत व नृत्य का त्याग, सुगंधित पदार्थों का जैसे कि बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर, बढ़िया सी ये फ्रेग्रेंस वाली, ये बढ़िया बढ़िया खुशबू वाली चीज़ें क्या होती हैं, इत्र यानी कि परफ्यूम, बॉडी स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करना, इस टाइप की चीज़ें। असमय भोजन का त्याग, आजकल तो बहुत करते हैं लोग, किसी को अपने खाने पीने खाया लेकिन तब तो बीमारियाँ बढ़ रही हैं इस तरह से। कोमल सैया का त्याग, बढ़िया से बिस्तर पर नहीं सोना है, कामनी कंचन, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। संघ में प्रविष्टि होने को, प्रविष्टि यानी प्रवेश वगैरह करते होंगे तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रथा को कहते थे उपसंपदा, उसे कहते थे उपसंपदा। गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता था, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या कहलाता था गृहस्थ जीवन का त्याग। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रामण कहा जाता था। एक चीज़ और थी इसमें, गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता, यानी कि बौद्ध धर्म में हैं लेकिन आप गृहस्थ जीवन के साथ साथ आप इसके अनुयायी बन सकते हैं, इसके उपासक बन सकते हैं, अनुयायी तरीके उपासक कहते थे इन लोगों को जो गृहस्थ जीवन के साथ रह के इसमें बौद्ध धर्म का पालन करते थे, बौद्ध धर्म के नियम का पालन करते थे। लेकिन जैन में ऐसा नहीं है, जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार 2 वर्गों में बटे हुए थे, इनके अनुयायी जो हैं 2 वर्गों में बटे हुए थे। वो वर्ग कौन कौन से थे, भिक्षु तथा भिक्षुणी, दूसरा वर्ग था उपासक एवं उपासिकाएं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, कौन सी गुफा थी ये याद करते रहिए कि उसके इसके बाद में आपको इसके मैं एमसीक्यूज कराने वाली हूँ ताकि आपको याद रहे, और जो मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो भी ऐसे होंगे आपको जो यूपी की, यूपी संबंधित किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे और या फिर आगे पूछे जाने की संभावना होगी, सब इम्पोर्टेंट होगा, कुछ में उसमें फालतू चीज़ नहीं होगी जिससे आपका टाइम ख़राब हो। मैं नहीं चाहती किसी का भी यहाँ पे मेरे साथ कोई आया है या सपोर्ट कर रहा है तो उसका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो, ठीक है। तो कहाँ पे, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बोध संगीति आयोजित होती है। इसके अध्यक्ष जो कौन बनते हैं, अध्यक्ष महाकश्यप, और राजा कौन होते हैं उस टाइम में, शासक जो होते हैं वो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम में पहली बोध संगीति होती है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। इस संगीति में क्या होता, क्या है घटना, क्या होती है, यहाँ पे बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और सुत्त और विनय पिटक के 2 पिटकों में विभाजित हो गए। सुत्त और विनय नाम के 2 पिटक जो थे 2 पिटकों में विभाजित हो गए। यहाँ पे ये घटना हुई। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद, जब महापरिनिर्वाण हुआ इनका उसके 100 वर्ष बाद क्या होता है, 383 ईसा पूर्व में
कालाशोक के समय में यहाँ पे जो राजा था वो अजात शत्रु थे, और यहाँ पे राजा कालाशोक आ जाते हैं। कालाशोक के समय में चुलबग्गा यानी कि वैशाली में, वैशाली में कोई जगह पड़ती होगी चुलबग्गा, वहाँ पे इनकी द्वितीय बौद्ध संगीति कराई जाती है, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की। और इस संगीति में क्या होता है, इनके जो भिक्षु थे दो वर्ग बन गए इन भिक्षुओं के, स्थविर या फिर थेरावादी कह सकते हैं ना। और दूसरा संघ था इन दूसरे में जो विभाजित हुए थे उसे कहते थे महासंघिक या फिर सर्वास्तिवादी, इस तरह से। तो दूसरी संगीति में अध्यक्ष थे वो सावक मीर थे, और पहले में थे महाकश्यप। राजा कौन थे, पहले में अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक। इस तरह आपको याद रखना होगा, संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब कहाँ से पूछ ली जाए। आगे चलते हैं, माता बुद्ध की मृत्यु के बाद यानी कि तीसरी संगीति की बात अब हो रही है। तीसरी संगीति कब होती है, 247 ईसा पूर्व में, और ये पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना में, अशोक के टाइम में होती है, राजा अशोक होते हैं। तीसरी वो संगीति है ये, इसकी अध्यक्षता जो है कौन करते हैं, मोगली पुत्तिस करते हैं। और इसमें होता क्या, इसमें घटना क्या होती है, अभिधम्ब नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया जाता है, और इस पिटक के ग्रंथ कथावत्तु का संकलन किया गया है इसमें। अब बताती है चौथी बौद्ध संगीति की, माता बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति होती है। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र करते हैं, और ये पहली ऐसी संगीति है जिसमें उपाध्यक्ष भी कोई थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना होती है। इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया था। और इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान यानी कि चौथी संगीति में इनका जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान, दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। हीनयान में वस्तुतः स्थिरवादी और महायान में महासंगिक, इस तरह से ये लोग बट चुके थे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश है, अभी जितने पॉइंट हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट में से कुछ खास चीज़ें जो एग्जाम अक्सर पूछी जाती है, हमेशा किसी ने पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया होगा ये। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था वो आनंद थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, इनकी मासी थी प्रजापति गौतमी। इनके पंचशील सिद्धांत की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए, ये छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है, किसका, बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो माना जाता है वो है तैतरीय उपनिषद। तैतरीय उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया, लेकिन प्रचार के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा का, क्योंकि उस टाइम में जो प्राकृत भाषा थी ऑफिशियल भाषा की तरह थी, और जो पाली है लोकल लैंग्वेज की तरह यूज़ हो रही थी, ज़्यादा लोगों को समझ में आती थी, तो इसलिए इन्होंने उपदेश के लिए पाली भाषा को रखा और प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सुत्त पिटक को। बौद्ध ग्रंथों में अभिधम्म पिटक से संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ होता है, तो किससे, अभिधम्म पिटक से संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ होता है। दिग्निकाय में बुद्ध के समय के कुछ छह नगर होंगे उसके बारे में उल्लेख मिलता है, किसमें, दिग्निकाय में। और छह नगर वो कौन कौन से उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसाम्बी और वाराणसी। बौद्ध धर्म के पिटक पाली भाषा में लिखे गए, जो उनके पिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब जो हैं पाली भाषा में लिखे गए। अब इनके प्रतीक चिन्हों की बात कर लेते हैं, जैसे कि जन्म के समय का इनका क्या प्रतीक रहा, ग्रह त्याग का क्या था, इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या प्रतीक, इस तरह से प्रतीक भी पूछ लिए जाते हैं। तो जब इनका जन्म होता है तो इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है कमल और सांड को। जब ग्रह त्याग करते हैं तो उसका घोड़ा है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है तो उसका प्रतीक है पीपल वृक्ष। निर्वाण प्राप्ति होती है उसका प्रतीक है पदचिन्ह।
और जब उनकी मृत्यु होती है, नहीं, सॉरी, पदचिन्ह बुद्ध के निर्वाण तथा इस तो बुद्ध की मृत्यु, हाँ मृत्यु ही है, तो जो मृत्यु का प्रतीक माना गया है वो स्तूप माने गए हैं। बौद्ध धर्म के पिटक का अर्थ है ज्ञान की पिटारी, किसका अर्थ है, पिटक का अर्थ होता है ज्ञान की पिटारी। बौद्ध धर्म में जातक एक बौद्ध साहित्य है जिसमें बौद्ध से संबंधित, यानी कि जिसमें बौद्ध के पूर्व जन्मों की बहुत कहानियाँ, बहुत सारी कथाएँ इसमें दी गई हैं, 200 से लगभग 200 कहानियाँ उनकी इसमें जातक में दे रखी हैं जो बौद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। बुद्ध के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार भविष्य में बुद्ध का अवतार जो है पशुयोनि में, कहीं कुछ और लिखा मिलता लेकिन यहाँ पर तो ये मिला हुआ है कि पशुयोनि में इनका भविष्य में अवतार होने वाला है। वैशाली इनके बिहार में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, और मध्य भारत में सांची का बौद्ध स्तूप जो कि विश्व प्रसिद्ध है। मिलिंद पन्हो नामक एक ग्रंथ है जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु, नागसेन जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे, इन दोनों के संवाद की चर्चा मिलती है मिलिंद पन्हो में। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय में कहाँ कहाँ से मिली हैं, मथुरा और गांधार से यहाँ पे बनी हुई थी। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा, अगर किसी प्रतिमा की पूजा की गई तो कहाँ से इसका प्रमाण मिलता है, तो ये यहीं से मिलता है। महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है जिसका इसकी पूजा की जाती है। बुद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे कौन कटवा देता है, गौड़ के राजा शशांक इस वृक्ष को कटवा देते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश यथार्थवाद की भावना से प्रेरित थे, किस भावना से, यथार्थवाद की। भारत में अशोक के समान जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार राजकुमार सोतांकु ने किया था, जैसे भारत में अशोक ने इसका प्रचार किया था तो जापान में किसने किया था, वो राजकुमार सोतांकु ने किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा लेकिन अब है तो पढ़ लीजिए, कहीं आ ही गया तो कम से कम माइंड में आता तो टिक तो कर सकते ना। अशोक के शासनकाल में उसके पुत्र, यानी कि ये तो आपने बहुत टाइम से सुना होगा प्रश्न, वो अशोक के पुत्र पुत्री होते हैं, पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संगमित्रा, ये दोनों इनके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ जाते हैं, श्रीलंका अशोक भेजते हैं। चौथी सदी में नेपाल जाने वाले बौद्ध दार्शनिक अतिशा थे। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान गए। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो भारत से इसका, भारत में इसका जन्म होता है, उसके बाद ये पता नहीं कईयों देशों में इसका विस्तार होता है, बहुत देशों में आज भी इनको मानने वाले, जैसे कि नेपाल में देखा जाए थाईलैंड है, जापान है, चीन है, बहुत से देशों में बौद्ध धर्म को आज भी मानने वाले मिलते हैं, जितना भारत में इसका इतना नहीं रहा जितना कि विदेश में ऐसी मान्यता है। 11वीं सदी के लेखक अलबरूनी, ये कितनी सदी के थे, 11वीं सदी के लेखक हैं अलबरूनी, उन्होंने क्या कहा है, मुसलमान होने से पहले ईरान इराक जैसे देशों के निवासी पहले बौद्ध थे, इनका मानना है। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है, अब देखते हैं वही अभी जब हम पढ़ के आए, इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जन्म वाली जो कमल और सांड है, गृह त्याग की घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति की पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष का है या पीपल वृक्ष का है, निर्वाण प्राप्ति के लिए पदचिन्ह है, मृत्यु के लिए स्तूप, इस तरह से आपको हो सकता है चार ऑप्शन इसमें दे दिए जाएँ, तीसरा कोई कुछ अलग हो, चौथा इसमें अलग दे रखा होगा, तीन इसमें से उठा के रख देंगे, तो इसमें आपको पहचानना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएँ क्या क्या हैं, ये भी हम पढ़ते हुए आए लेकिन टेबल में ग्राफ में दे रखा है तो थोड़ा सा से एक झलक देख लीजिए। गृह त्याग की घटना है, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त होने की घटना बुद्ध कहलाती है, प्रथम उपदेश देने की घटना है जो क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन, और वहीं बुद्ध की जो मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त होता है तो क्या कहते हैं इसे, महापरिनिर्वाण। अब देख लेते हैं हम 16 महाजनपद को, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, आपने सभी पढ़े तो होंगे पहले से ही, देख लेते हैं। अंग जो है इसकी राजधानी चंपा थी, मगध की बात करें मगध की राजधानी ग्रीव्रज और राजगृह थी, काशी वाराणसी इसकी राजधानी, वत्स की कौसाम्बी, वज्जी की थी वैशाली, विदेह और मिथिला, ये तीनों नाम में से कोई भी नाम हो सकता है एग्जाम के टाइम में,
कोसल की, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन और माहिष्मति उज्जैन एमपी वाले क्षेत्र में। मल इसकी राजधानी कुशावती, पंचाल का ही क्षेत्र और कांपिल्य इसकी राजधानियाँ थी। इसकी चेदी की थी शक्तिमती, कुरु जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वहाँ पे कुरु पड़ता है, तो कुरु की जो इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा, आगरा से थोड़ा आगे जाके मथुरा पड़ता है, यहाँ पे इसकी राजधानी। अश्मक की बात करें तो इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन थी। और लास्ट आपका ये है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। तो इस तरह से अपने जनपद कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकी बौद्ध सभाएं। बौद्ध के टाइम में जो संगीतियाँ सभाएं हुई थी उनको एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। अभी मैं पढ़ा तो है इसे और फिर से ग्राफ टेबल में लेकर के आया हूँ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसे। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो हैं महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी विशेषता क्या थी प्रथम बौद्ध संगीति की, इसमें सुत पिटक तथा विनय पिटक जो है इन दोनों का संग्रह कर लिया गया था। दूसरी संगीति में क्या हुआ था, ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सावकवीर थे और ये इसके राजा थे जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंघिक भागों में बट गया था, दो वर्गों में बट गया था ये। तीसरी संगीति की बात करते हैं तो ये 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि आज की बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना बिहार में, तो वहाँ पे हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलिपुत्रतिस और ये शासनकाल था अशोक का। यहाँ पर जो विशेषता है इनकी वो क्या थी संगीति की, अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वस्तु को जोड़ा गया था इसमें। चौथी संगीति की बात करते हैं, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी कश्मीर कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष वसुमित्र थे और ये पहली ऐसी संगीति है जिसके उपाध्यक्ष भी थे, तो उनका नाम था अश्वघोष। ये शासन किसका चल रहा था, ये कनिष्क के टाइम की बात है। इसकी कार्य विशेषता जो है वो विभाषा शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था। कौन सी शाखाएँ थी वो, महायान और हीनयान शाखा। ठीक है, तो अपनी ये बौद्ध संगीता कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप में बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। किसने करवाया है, अजातशत्रु ने और इस क्षेत्र के गणराज्य द्वारा करवाया गया था। मौर्य शासक अशोक द्वारा 84 स्तूपों का निर्माण कराया गया। किसने करवाया था 84,000 स्तूपों का, अशोक ने। सबसे प्राचीन स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसे भरहुत का स्तूप नाम से जानते हैं, जिसकी खोज जो है 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले में, एमपी का ही है रायसेन जिला, वहाँ पे सांची का स्तूप स्थित है। यह सबसे विशाल स्तूप है जिसका निर्माण अशोक शासक ने ही करवाया था। गुप्त शासकों द्वारा निर्मित धमेक स्तूप को ही सारनाथ स्तूप कहते हैं। ये किसने बनवाया था, गुप्त शासकों द्वारा से बनवाया गया था और धमेक नाम है और इसे आज हम सारनाथ के स्तूप के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख संप्रदाय व आचार्य। ये इनके संप्रदाय हैं और ये इनके आचार्य हैं। तो आजीवक संप्रदाय या फिर भाग्यवादी संप्रदाय। तो आजीवक है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है आजीवक, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके आचार्य कौन थे, मक्ली घोषाल, घोरक्रियवादी के पूरण कश्यप, उच्छेदवादी के थे अजित केस कम्बलिन, नित्यवादी संप्रदाय के पकुद कच्चायन और अनिश्चयवादी के संचय वेलदुपुत्त ही इसके आचार्य थे। तो बस आज हमारे इस वीडियो में इतना ही है। तो किसी भी साथी को कुछ भी कहना हो वो मुझे कमेंट करके बताए, मेरी कोई अच्छाई हो, मेरी कुछ कमी किसी को नज़र आ रही हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताए, मुझे सपोर्ट करके मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं चैनल पर लगातार बनी रहूँगी और आपको नए नए टॉपिक ला करके देती रहूँगी। तो जब तक पेट है तब तक तो लगातार बनी हूँ, फिर देखते हैं किसी नए एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम आता है तो उसकी तैयारी कराते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, मेरे हिसाब से जैन धर्म को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ो पढ़ाओ फ्यूचर बनाओ। थैंक्स।